हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज Cl2O इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, ठीक है, Cl2O जो है हमारा एनहाइड्राइड किसका होगा दिए गए कंपाउंड्स में से। फर्स्ट हमारा हाइपोक्लोरस एसिड, सेकंड इज क्लोरिक एसिड, सी है क्लोरस एसिड एंड डी है हमारा परक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा एनहाइड्रेट्स। एनहाइड्राइड्स का जो फॉर्मेशन होता है ये फॉर्म होते हैं किसी भी एक एसिड से बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। H2O निकलेगा फ्रॉम एन एसिड, ठीक है। एसिड से, वाटर के रिमूवल से हमारे एनहाइड्रेट्स बनते हैं, और जब ये वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तब ये उस करस्पॉन्डिंग एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है एनहाइड्राइड में वाटर ऐड करके, ठीक है। एंड जो हमारा एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है एसिड में वाटर ऐड करने से। तो इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। हमारा डाइक्लोराइड मोनोऑक्साइड हमको दिया हुआ है Cl2O, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है 2HClO, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एसिड है एंड एसिड ये जो दिया गया एनहाइड्राइड है इसमें वाटर के ऐड होने से ये एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसका रिवर्सल भी हम देख सकते हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं अगर इस एनहाइड्राइड में वाटर ऐड करने से ये एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड का ही ये एनहाइड्राइड होगा, ठीक है। Cl2O जो है हाइपोक्लोरस एसिड का ही एनहाइड्राइड होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था Cl2O इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ, जिसका आंसर हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।